आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्रिएट द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज दिया है और उसके बेसिस पर आगे एक क्वेश्चन पूछा है। प्लांट्स हैविंग फॉरेन जीन्स इन देयर जीनोम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जीन्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ईदर थ्रू अ वेक्टर और कैन बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो वैसे प्लांट्स होते हैं जिनके जीनोटाइप में कुछ एक्स्ट्रा जीन्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए। और ये जो जीन्स हैं या तो वो किसी वेक्टर सच एज एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इंसर्ट हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो है फिजिकली भी हम उन जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। इट कंटेन्स जीन CRY1AC एंड CRY2AB ऑफ बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस। तो ऐसे ही एक ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल है बीटी कॉटन और ये जो प्लांट है ये पेस्ट रेजिस्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये जो प्लांट है इसमें बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया है उससे दो जीन्स दैट इज CRY1AC और CRY2AB जीन्स लिए गए हैं इसके पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए। इट इज़ यूज टू कंट्रोल लेपिडॉप्टरन्स, कोलियोप्टरन्स एंड डिप्टेरन्स। तो ये तीन ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट के, लेपिडॉप्टरन्स, कोलियोप्टरन्स और डिप्टेरन्स, जो कि पेस्ट की तरह काम करते हैं कॉटन में, जिसके अगेंस्ट के बीटी कॉटन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बीटी कॉटन कैन रेजिस्ट कॉटन बॉल वॉर्म एंड प्रोड्यूस हायर यील्ड्स। जो बीटी कॉटन है वो कॉटन बॉल वॉर्म ये एक पेस्ट है इसको रेजिस्ट करके हायर यील्ड प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल कॉटन होता है। क्रायजीन्स प्रोड्यूस क्राय प्रोटीन और बीटी टॉक्सिन। इट इज़ एन एंडोटॉक्सिन विच रिमेन्स एज प्रोटॉक्सिन इन प्लांट्स एंड कन्वर्टेड टू एक्टिव टॉक्सिन आफ्टर गेटिंग इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट्स। तो ये जो क्रायजीन्स हैं ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये जो टॉक्सिन है ये एक प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में दैट इज़ इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्लांट्स के अंदर और ये एक्टिवेट हो जाता है जब ये इंसेक्ट्स इसको कंज्यूम करते हैं। एल्कलाइन pH ऑफ द इंसेक्ट गट सोल्यूबलाइजेज द प्रोटीन क्रिस्टल्स। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द मिड गट वॉल ऑफ द इंसेक्ट विच कॉज देम टू डेथ। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है दैट इज बीटी टॉक्सिन ये जब इंसेक्ट के गट में जाता है तो उसमें पोर्स कर देता है क्योंकि ये एल्कलाइन pH से जो है वो ट्रिगर हो जाता है। इनएक्टिव फॉर्म जो है एल्कलाइन pH के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाती है और ये जो इंसेक्ट है इसके मिड गट के वॉल्स में पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये था पैसेज अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स और बीटी कॉटन स्पेसिफिकली और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। वॉट इज ट्रू अबाउट बीटी क्रॉप्स। ए दे आर फंगल रेजिस्टेंट, बी दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, सी दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो बीटी कॉटन क्रॉप्स के लिए जो है इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। तो जो बीटी कॉटन है उसमें जो जीन्स हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस और इसमें से जो जीन्स हैं दैट इज CRY1AC और CRY2AB। ये जो जीन्स हैं ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पेस्ट। पेस्ट जो है वैसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप पे इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं और जो यील्ड है दैट इज जो क्रॉप का फाइनल आउटपुट है उसको डिक्रीज करते हैं। तो जो पेस्ट होते हैं ये होते हैं इंसेक्ट्स। तो ये जो बीटी कॉटन क्रॉप्स हैं दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसी पैराग्राफ में से स्पेसिफिकली देखें तो ये जो है इफेक्टिव है लेपिडॉप्टरन्स, कोलियोप्टरन्स और डिप्टेरन्स के लिए अगेंस्ट दैट इज तीन ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट हैं दैट इज लेपिडॉप्टरन्स जिसमें कि मेनली आते हैं टोबैको बर्ड वॉर्म, और इसके अलावा मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्डर है इंसेक्ट का दैट इज कोलियोप्टरन्स, इस ऑर्डर में मेनली आते हैं बीटल्स, और थर्ड जो ऑर्डर है दैट इज डिप्टेरन्स, ये भी पेस्ट है ऑन कॉटन प्लांट्स जिसके अगेंस्ट बीटी कॉटन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इसमें आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोस। तो बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज The BT cotton crops are insect resistant. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET IIT JEE mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।